अम्बाला शहर के नागरिक अस्पताल में खड़ी ये नई हाईटेक एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन के इंतजार में एक महीने से धूल फांक रही है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले ये एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में शामिल हुई थी। वहीं जब हमारी टीम ने इस बारे में अम्बाला सिविल सर्जन से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दूसरे वाहनों से अलग होती है। उन्होंने बताया कि इसकी पहले पासिंग होती है, सभी कागजी कार्रवाई होती है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होती है और इसी प्रक्रिया में समय लग जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि 3 एम्बुलेंस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और 4 की भी एक हफ्ते में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसके बाद ये लोगों की सेवा में उपलब्ध हो जाएगी। वहीं एम्बुलेंस की देखरेख कर रहे ड्राइवर से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हर रोज एम्बुलेंस की साफ सफाई की जाती है और उसे 10 मिनट के लिए स्टार्ट भी किया जाता है ताकि एम्बुलेंस की बैटरी डाउन ना हो। 7 आपको मैं बताता हूँ, 7 एम्बुलेंस पहले तो पासिंग होती है और जब तक पासिंग नहीं होती तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होती, और ऊपर से डॉक्यूमेंट आने में भी वो डॉक्यूमेंट में भी थोड़ी सी डिले, और जो एम्बुलेंस करके आई हैं 3 आई हैं, 3 की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, 3 के रजिस्ट्रेशन का है भी पासिंग होती ही आपको एम्बुलेंस की पासिंग ऐसी नहीं होती जो आम व्हीकल की तरह है, एम्बुलेंस में सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है उसके बाद ही एम्बुलेंस की रजिस्ट्रेशन होती है। तो जो बाकी 3 एक बार आई है, दूसरी बार आई है और 3 एक वो आई है, टोटल 7 एम्बुलेंस आई है जिनमें 3 की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, 4 की रजिस्ट्रेशन के लिए चेक हमने दे दिया है, वो पास होते ही उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जो ये नई 7 गाड़ियाँ आई हुई है, इन गाड़ियों को हम रोज देख रेख साफ सफाई और हर रोज इनको स्टार्ट किया जाता है प्रॉपर तरीके से, और इनकी प्रॉपर तरीके से देख रेख की जाती है हर रोज, इनकी हर रोज इनको 5 से 10 मिनट स्टार्ट किया जाता है प्रॉपर तरीके से, और इनके इन्वर्टर बैटरी को चार्ज हो जाती है, इतनी देर में चलेंगी तो उसके बाद ऑटोमेटिक ही चलते रहेंगे।